आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आज हम आपको लेके चलते हैं दीनबंधु मंच राम किंकर हॉल में, जहाँ पे आर्टिस्ट इंटेलिजेंस अवार्ड स्टेट लेवल ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स है। तो आइए इससे जुड़ा हुआ विस्तार से हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। आपका स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए बताइए, कैसा लगा आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के? आप मेरा नाम बीना कुमारी पंडित है। मैं ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था। मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जैसे पहले भी मैंने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट किया है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट किया है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है, ये बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए। मेरा जो थीम था वर्ल्ड ऑफ जॉय, तो जैसे कि एक इंसान की एक कुछ ख्वाहिशें होती है या उसकी अपनी एक दुनिया होती है, किसी के रूप में अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, तो उस चीज़ को पेंटिंग के माध्यम से दौड़ाना और उस चीज़ को दिखाना एक बहुत ही एक अद्भुत कल्पना के माध्यम से मैंने भी चित्रित किया है। और मुझे आशा है कि मैं और भी आगे और भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँगी। कितने वर्षों से आप इस कला कौशल से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 10 सालों से इस कला कौशल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे गर्वित होता है कि मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन किया है। आपको मेरे पूरे टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके? हमारे खूब भले लगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपशिखा दास। कितने वर्षों से आप सीख रही हैं ये? আমি 10 বছর ধরে শিখছি। ও আর আমি একসাথে শিখছি। আমাদের স্যার আমাদের অনেক মানে অনেক ধ্যান দেয়। কিস স্কুল থেকে আপ? আমরা আর্টিশন আর্ট স্কুল থেকে পার্টিসিপেট করেছি। তো আজকে খুব ভালো লাগলো। এই ম্যাম যিনি আমাকে খুব সাহায্য করেছেন, আমার কাছে সময় ছিল না করার, উনি আমাকে একটা আইডিয়া দিলেন, তাই আমি ওর ফলে আমি কমপ্লিট করতে পারলাম যতটা। তো আমার খুব ভালো লাগলো। এসে ধন্যবাদ। क्या नाम है बाबू? हमारा नाम शुक्रिया वैश। हम यहाँ ठीक है। अच्छा, कितने वर्षों से आप सीख रही हैं? 12 बच्चों गए हमारा। ये इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? আমার ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল আমি আর্ট করবো সুন্দর, এবং আমার এটা মানে হবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার খুবই ভালো লাগছে। আমার নিজের থেকেও প্রাউড মোমেন্ট হচ্ছে এবং আমার ফ্যামিলিও খুব গর্বিত আমার। আপনার অ্যাম্বিশন কী হয়? আমি লাইফে কিছু করতে চাই, ভালো কিছু করতে চাই এবং জীবনে এগিয়ে যেতে চাই, এটাই আমার লক্ষ্য। শুভকামনায় আপনাকে। স্বাগত হে বাবু। আপনার কি নাম হ্যাঁ? আমার নাম অর্পিতা দাস। আমি গ্রুপ ডি পার্টিসিপেন্ট। তো ইস প্রতিযোগিতা মে হিসা লেকার কে আপকো কেসা লাগা? বহুত আচ্ছা লাগা। সিলিগুড়ি মে আই হু আলিপুর সে, বহুত ডর ভি লাগ রাহা থা কি ইতনা দূর সে আই হু, ক্যা হোগা, কেসা হোগা। পর স্যার ম্যাম সবই বহুত আচ্ছে হ্যায়, আচ্ছে তরিকে সে গাইড দিয়া হ্যায় হামে, তো বহুত আচ্ছা লাগা। কিসকে সাথ আপ আই হ্যায়? মেরি মাম্মি আই হ্যায় অর দাদা হ্যায় অর মেরি আন্টি ভি হ্যায়। कैसा लगा आपको, आपकी बहन इतना अच्छा कर रही है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बहन इतना दूर आया है, तो ये गर्व की बात है। और इनका पहले छोटे समय से ही बहुत क्रिएटिविटी करने की, कुछ करने की बहुत क्षमता देख रहा था हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग इसको आर्ट, और इनका चॉइस भी है आर्ट, तो इसलिए वो ज्वाइन किया। तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उच्च स्तर पर प्रगति कर रहा था, तो हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। और आज इस मौके पे आए हैं तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है इसलिए। क्या नाम है आपका? कौशिक दास। बड़ा होकर के क्या बनना चाहती हैं आप? आर्ट को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। चलिए, आपको मेरे पूरे टीम की ओर से बहुत सारा शुभकामनाएं। आज क्या क्या हुआ? ये जस्ट आज तो अंतिम प्रतियोगिता था, तो यहाँ तक पहुँचने में बच्चों को कहाँ कहाँ से आना पड़ा और किन किन दौर से होके गुजर के यहाँ तक आए हैं वो?
हम लोग का वो राउंड जेटा हमी बोल लाम जे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड एंड आज के फाइनल राउंड तो ये जे जार्नी टा तारा जार्नी को आज चे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट आचे और आज के फाइनल राउंडे आमदे जे कंपटीशन टा शेटा होए गया चे एकोन जजमेंट होबे एवं तादेर हाते सकलेर हाते आर्टिस्ट इंटेलिजेंस अवार्ड टा देवा होबे आज के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट के आछे आर जिला आमदे विभिन्न जिला थेके कोचबिहार आलिपुर जलपाइगुड़ी दार्जिलिंग रायगंज एखान कैकटा जिला थे आखने डिस्ट्रिक्ट से आए हैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट वाइज इसलिए किया था कि ताकि सभी बच्चों को थोड़ा सा मौका मिले और प्लेटफॉर्म मिले बच्चों को छोटे जगह में सब जगह में प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं है ना बाद इस जगह में कि एक्चुअली सिलीगुड़ी मेन प्रॉपर जगह में तो मिलता है लेकिन इन्होंने इनका मोटो था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट से कोने कोने से बच्चों को उठा के ले आएंगे उन लोगों को प्लेटफॉर्म दें ताकि उन लोगों को प्रोत्साहित देना चाहेंगे आप समाज को आप अपना परिचय देते हुए बताइए मेरा नाम अभिजीत धर है जी मेरा लड़का अभिजीत धर ग्रुप ए में पार्टिसिपेट कर रहा है कितने वर्षों से आप अपने बच्चे को इस कला कौशल से जोड़ के रखे हैं मैं 2 साल से मेरा बच्चा जो है तो आपको इसका प्रेरणा कहाँ से मिला मैं खुद भी कुछ दिनों के लिए मेरा बच्चा जिसकी जो टीचर के पास है अभी मैं खुद उनके पास पहले आर्ट सीखा था अच्छा 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 क्या बात उसी की मैं कोशिश जा रही है कि वो भी अच्छा सीखे उनके अंदर में तो कैसा लगा क्या नाम है आपका हमको बताइए अपना डिटेल परिचय देते हुए मेरा नाम है देवजीत शाह मैं यहाँ पे आकर आनंद महसूस कर रहा हूँ तो मेरा थीम था जो ट्री का है ट्री को कैसे बचाते हैं क्या नाम है आपका तो मैम आपका कौन है यहाँ पे जो आज पार्टिसिपेट करने आया है लड़का आपका क्या उम्र है उनका अभी 10 साल हुआ है अच्छा किस क्लास में पढ़ रहा है 5 में सिलीगुड़ी से आप बिलोंग करते हैं कैसा लग रहा है आपको इस अंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चा इस तरह का प्रतियोगिता में जो आया है आपको इसका प्रेरणा कहाँ से मिला बच्चे के अंदर ये इच्छा था वो जो सर सिखाते हैं उसको वो भी बहुत उसे इंस्पायर करती है हमें आलिपुर द्वार थे हमार मे अर्पिता दास हाँ ग्रुप डी ते आर्ट कर আর হচ্ছে ও ক্লাস যখন মানে 1 পড়ে মানে 5 বছর থেকেই ও আর্ট শিখছে এখন অবধি করছে ভালোই করে হ্যাঁ আর হচ্ছে এবার তো ওদের ফাইনাল ইয়ার হ্যাঁ কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন যেহেতু ওই কলেজে পড়ছে সেকেন্ড ইয়ারে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়নি দেখে ও এবার মানে ওদের সেটা হলো না আর কি সেভেন্থ ইয়ার তো হলো এবার ওদের যে ফাইনাল ইয়ারটা ওই 1 বছরের জন্য পিছিয়ে গেল তা আর্টটা ওর তো খুবই ভালো লাগে আর আমারও মানে ছোটোবেলা থেকে খুব শখ ছিল মানে আমি শিখবো কিন্তু আমি পারিনি যেহেতু ওই জন্য মেয়েকে হ্যাঁ মেয়েকে করাচ্ছি হ্যাঁ দুই মেয়ে আমার দুই মেয়ে আর্ট করে হ্যাঁ ছোট মেয়ে 10 বছর বড় মেয়ে যে কলেজে পড়ছে দুই মেয়ে খুব ভালো আর্ট করে মানে বলতে হয় না মা হয়েও বলছি খুব ভালো করে আমারও খুব ভালো লাগে আর্টটা আর ওরও ওদেরও ইচ্ছা বড় মেয়ের ইচ্ছা যে ও গ্র্যাজুয়েশনে পড়ে আর্টের স্কুল খুলবে আপনি কি বানায়া আজ মানে আজ মুসলিম মর্দা বানায়া আচ্ছা 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 কেসা লাগা আপকো ইয়ে বানা করকে বেটা আচ্ছা 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 আপকো ইয়ে কোন বোলা ইয়ে বানানে কে লিয়ে মাশরুম কে বারে মে মামি বলি থি কিতনে বর্ষো সে আপ সিখ রহি হ্যায় কিস ক্লাস মে পড়তি হ্যায় আপ বাতাইয়ে মে ইউকেজি কোন সা স্কুল মে হাইজেটিক স্কুল পাপা কা কিয়া নাম হ্যায় আপকা ত্রিশিতা দাস তো ত্রিশিতা লাগা আপকো বানা করকে বলিয়ে বলিয়ে हेलो अच्छा अच्छा तो ये किसने आपको सिखाया मन्ना झा क्या किस क्लास में पढ़ती हैं आप यूकेजी कैसा लगा आप क्या बनाए हैं आज आज मैं तो पंछी बनाई पंछी बनाई है बाबा पंछी उड़ता हुआ पंछी या पेड़ पर बैठा हुआ पंछी पेड़ पे बैठा हुआ पंछी पेड़ किसने बोला आपको पेड़ पर बैठा हुआ पंछी बनाना है मेरी ड्राइंग मैम उसने बोला पेड़ पे बैठा हुआ पंछी वाह 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 किस क्लास में हैं आप यूकेजी कौन से स्कूल में हिंदू विद्यालय स्कूल अच्छा 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 पापा का क्या नाम है मनीष मोहन भाई हैं आप मम्मी और पापा के साथ तो आप कहाँ से हैं मैम यहाँ एसीयू सीएम से क्या नाम है आपका मेरा नाम मोबाशरा बेगम है जी जी मैम तो आपका बच्चा कितना उम्र है उनका 13 साल कितने वर्षों से आप बच्चे को सिखा रहे हैं ये 6 साल से सिखा रहे हैं तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला ये सिखाने के लिए आप खुद अपने से ये आपके अंदर इच्छा आया कि बच्चे के अंदर ये इच्छा था बच्चे के अंदर था तो ऐसे समय में आप समाज को देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप बहुत ही अच्छा कला है
स्वागत है आपका द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में. थैंक यू. मैं पंकज. तो आप अपना परिचय दे करके बताइए कहाँ से आए हैं आप. मेरा नाम है धीराज घोष, कोचबिहार से आया है. सदर. तो आपके बच्चे कितने साल से ये हमको प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. ये प्रथम बार लिए. और कितने वर्षों से वो उनको आप ये सिखा रहे हैं आप. 3-4 साल तो होगा. कैसा 4-5 साल होगा. जी जी. तो कैसा लगा आपको यहाँ तक आपका बच्चा पहुँच गया है. बहुत अच्छा लगा. जगह भी बहुत अच्छा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है. थैंक यू. यस.